वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी फतेहगढ़ साहब उन्हां शहीद बाबयां दी धरती ते नतमस्तक होण लई आए हां। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों वड्डे पद्धर ते इह जिहड़ा समागम आयोजित कीते जांदे आ, इह उह धरती आ जिथे मन मानवता नाल प्यार रखण वाला हर सिर जिहड़ा उह इत्थे सजदा करदा। जोगी अल्लाह यार खां लिखदा, कहिंदा एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, जहाँ बाप ने बेटे कटवाए खुदा के लिए। ये अपने आप दे विच बड़ी वड्डी एक गल आ कि इस दुनिया के अंदर ऐसी जिहड़ी शहादत आ, ये एक लासानी शहादत आ। एक 7 साल ते 9 साल के बच्चों ने एक दुनिया के अंदर एक इतिहास सिरजता कि वड्डे वड्डे उन्हां दे तोहफे ते उन्हां दा डर ते इक भै उसनू ना मंदिया होया उन्होंने शहादत नू अपने जिवें कहिंदे आ पिंडे ते हंडाया ते एक इतिहास सिरजिया। उन्हां दी दादी माँ जिहड़ी जिन्हें ठंडे बुरज दे विच अपने पोतरियां नू एक चंगी सिक्ख्या दे के उसारिया ते उन्होंने शहादत का जाम पीता, ये अपने आप दे विच वड्डी गल है। भावें कि जिहड़ा शहीदी सप्ताह 21 तरीक तो चलता, 21 दसंबर नूं जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनियां फौजां दे नाल आनंदपुर साहब का किला छड्डदे आ, 22 तरीक नूं सरसा दे कंढे दे उत्ते विछोड़ा पैंदा, उस तो बाद 23 तरीक नूं जिहड़ा कि जंग हुंदी आ चमकौर गढ़ी दी जंग, जिहड़ी जंग अपने आप दे विच दुनिया दे जंगां दे विच इक मिसाल है कि अपने बाप ने अपने बच्चों उन्हां दे गाने बन के जंग विच शहीद होने वास्ते तोरिया। बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह जिन्हां ने उस जाबर दे नाल टक्कर लैंदे आ कच्ची गढ़ी चमकौर दे विच जिहड़ी इह वड्डी लड़ाई लड़ी, उस तो बाद जिहड़े शहीद होए अगले दिन शहीदियां होईयां, उस तो बाद उन्हां दा संस्कार हुंदा ते उस तो बाद 26 तरीक नूं इस ठंडे बुरज दे विच गंगू दी उस काली करतूत करके उहदे बेईमान होण करके इत्थे जिहड़ा वजीर खान आ उह इन्हां नूं गिरफ्तार कर लैंदा, मोरिंडे थाणे विच लिया जांदा। उस तो बाद इत्थे इह 3 दिन रखे जांदे ने ठंडे बुरज दे विच। पहले दिन भी जिहड़ी उह वजीरे दी कचहरी लगदी आ, दूसरे दिन भी लगदी आ। पहले दिन उन्हां नूं प्यार नाल समझाया जांदा, दूजे दिन उन्हां नूं डरावा दिता जांदा, तीसरे दिन जदों उह नहीं मनदे इस गल नूं अपना धर्म तब्दील करन नूं नहीं मनदे, उन्हां इस गल नूं महत्ता दिंदे आ कि असीं अपने दादे दी गोद दा निग मानण नूं तैयार हां, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत हुंदी आ कश्मीरी पंडतां दे उस जनूं नूं बचाउण लई, हिंदू धर्म नूं बचाउण वास्ते मानवता दे भले लई जो कार्ज कीता। तो उह बच्चे जिहड़े आ 9 साल ते 7 साल दे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जिन्हां दी उस करनी नूं शहादत सलाम है नमस्कार है। तुसीं देख रहे हो कि दुनिया का हर बशर इस धरती ते आ के नतमस्तक हुंदा, क्योंकि उन्हां छोटे बच्चों ने कार्ज ही एडे कीते ते कौम ने पंथ ने उन्हां नूं बाबयां दे कह के सत्कारिया। सो अज जदों असीं याद करदे हां वड्डे साहिबजादियां नूं, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जिन्हां ने इत्थे इक लासानी शहादत दित्ती, भावें कि उह शहादत जिहड़ी आ अखीर ते रंग लियाई बाबा बंदा सिंह बहादुर ने चप्पड़चिड़ी दे मैदान दे विच जिहड़ा इत्थों दे हाकमां नूं उन्हां ने सबक सिखाया ते सरहंदी इट नाल इट खड़काई ते उस वजीद खान दी लाश जिहड़ी आ उह टंग के चौंक दे विच दस दित्ता कि जबर ते जुल्म करन वाले बाली देर नहीं ठहरदे। इह इस धरती दा विलक्खण इतिहास है। अज आउण वाले दिन जिहड़ा इह हफ्ता आ रिहा इहदे विच इस इलाके दे लोक जिहड़े आ उह घरां दे विच कदे मंजे ते नहीं सौंदे सी, उह हेठां विछाई विछा के सौंदे सी कि उहनां दी शहादत नूं नमस्कार कीता जावे। सो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने साढ़े प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साहब ने यह जिहड़ा ऐलान किया कि इस 15वाड़े के अंदर 15 तरीक तो लैके 30 तरीक दे तक जिहड़े सादे पकवान बनाए जाणगे ते किसी तरह का कोई भी साडा सन्मानित व्यक्ति इत्थे आउंदे ने शख्सियतां आउंदियां ने उन्हां दा सन्मान असीं नहीं करांगे, क्योंकि बहुत एक जज्बातां नाल जुड़िया ते एक वड्डी शहादत आ जिस शहादत नूं इह सत्कार करन वास्ते सारे फैसले लए गए। श्रोमणी कमेटी दे प्रबंध बहुत वड्डे ने पर जिन्नी संगत आउंदी आ उहदे विचों थोड़े रहि जांदे ने, पर असीं गुरू साहिब दी कृपा नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना हर हीला वरत के संगतां दी सहयोग लई, संगतां दी सहूलत लई, संगतां दे इत्थे रहिण लई ते होर भी जिन्ने चाहे डाक्टरी सहायता वा चाहे कोई भी किसे तरह दे इत्थे लोड़ आ उहदे लई सहयोग करदी आ, पर असीं समुची संगत नूं हाथ जोड़ के बेनती करदे हां
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਮਾਂ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵਿਗੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।